बच्चों, आज हमें जो करना है वो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, और इसमें सेशन टू है वर्बल एंड नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमें आज पढ़ना है। तो इसमें ये फर्स्ट फोटो लगी है जो ये चार्ल्स वेवर्स की है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। और इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इट मे बी वर्बली यूजिंग वॉइस, रिटर्न यूजिंग हैंड रिटर्न नोट्स, प्रिंट मीडिया, विजुअली पोस्टर, चार्ट एंड ग्राफ, नॉन वर्बली यू लेट योर बॉडी स्पीक फॉर यू। देखो इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया है कि आप जो है कम्युनिकेशन अपनी वॉइस के थ्रू कर सकते हैं और हैंड रिटन कर सकते हैं, जैसे किसी को लेटर लिखकर आप कर सकते हैं, और आप प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, जैसे आप मैगज़ीन छपती है उसमें भी क्या होता है, किसी के मैसेज छपे होते हैं इसमें, तो इनके थ्रू क्या होता है, इनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। और विजुअल कम्युनिकेशन जैसे पोस्टर पोस्टर है, चार्ट है, ग्राफ है, इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और एक होता है नॉन वर्बली, आप नॉन वर्बली कैसे कर पाएंगे, यानी बिना बोले कैसे कर पाएंगे, अपनी बॉडी के थ्रू। तो जैसे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, डेली लाइफ का एग्जांपल है इसका, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि, जैसे आपको किसी ने पूछा, किसी ने बोला हाय, तो उसने हाथ हिला करके हाय बोला, लेकिन मुँह से भी बोला, आपने आप उस टाइम कुछ काम कर रहे थे तो आपने भी क्या किया, उसको हाथ हिला दिया उसकी साइड, तो क्या हुआ, वो हाई हो गया, तो उसके पास मैसेज चला गया। तो ये कैसे हुआ, आपकी बॉडी ने उसको जो है, आपकी बॉडी की साइड से उसके साथ कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि हाँ भाई कैसे हैं आप, तो उसने गर्दन हिला के बोला हाँ, मतलब बोला नहीं उसने, बस गर्दन हिला दी, ठीक है, बस उसने गर्दन हिलाई। और ये क्या होता है कि ये नॉन वर्बल में आ गया, बिना बोले, यानी आपने उसको बता दिया, तो इसकी इसमें क्या हुआ, आपकी बॉडी ने आपको उनको बताया, सामने वाले को, कि ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पहुँचते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन विच वी यूज़ साउंड एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, आप उसमें वॉइस के थ्रू, साउंड के थ्रू, वर्ड के थ्रू आप इसमें कम्युनिकेट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में वी गिव वर्ड टू अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड प्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, स्पीच एंड कन्वर्सेशन। आप अपनी फीलिंग, थॉट हम किसके थ्रू बता सकते हैं, डिस्कशन करके बता सकते हैं, स्पीच के थ्रू बता सकते हैं, और कन्वर्सेशन यानी बात करके हम कर सकते हैं। इसके बाद ये इसकी एक डेफिनेशन थी। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की, इन अदर हैंड वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, ओरल मतलब होता है मौखिक, हिंदी में मौखिक बोलते हैं। इन अदर हैंड वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक कम्युनिकेशन है ये, वेयर इन द मैसेज इज कन्वे थ्रू स्पोकन, स्पोकन स्पोकन के थ्रू जा सकता है मैसेज, स्पोकन वर्ड, द सेंडर में कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन एंड कन्वर्सेशन। आप उनके थ्रू क्या होता है कि मैसेज डिलीवर होता है, स्पोकन वर्ड के थ्रू होता है, और सेंडर के थ्रू क्या होता है कि कम्युनिकेट करा जाता है, स्पीच और डिस्कशन और प्रेजेंटेशन और कन्वर्सेशन के थ्रू कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और उनके बीच में एक मीडियम होता है। मीडियम में आप फ़ोन बोल सकते हैं, फ़ोन के थ्रू जैसे एक सेंडर एक बात कर रहा है और उस साइड कोई, दूसरी साइड कोई सुन रहा है, तो क्या हुआ, एक साइड से बोला जा रहा है, एक साइड से वो सुना जा रहा है, तो एक जो बोलने वाला वो होता है सेंडर, जो दूसरी साइड जो सुन रहा है वो होता है रिसीवर। लेकिन फोन कई बार क्या होता है, सिंगल वे, वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे वॉकी टॉकी में, वॉकी टॉकी में क्या होता है, सिंगल वे कम्युनिकेशन हो रहा है, वन वे, एक साइड से अगर बंदा एक बोल रहा है, तो जब फिर वो क्या करता है कि जैसे मैंने कोई बात बोली, फिर मैं लास्ट में ओवर बोलूँगा, तो ओवर का मतलब है कि वो पूरा हो गया, फिर उधर से कोई दूसरा बंदा बोलेगा वॉकी टॉकी पे। लेकिन फ़ोन में ऐसा नहीं होता, फ़ोन में क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, फ़ोन
फ़ोन में टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो टू वे से मतलब है कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर उधर से कोई सुन रहा है, फिर वो उधर से बोलेगा तो फिर मैं सुनूंगा, तो दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन एक कई बार क्या होता है, दोनों एक साथ भी बोल पड़ते हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए इसके कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इसके वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या होता है, जिन पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है क्लियर स्पीच ऑफ सेंडर, जो सेंडर बोल रहा है वो क्लियर वॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और पीछे से जो है आवाज़ कुछ कोई आवाज़ कर रहा है, साउंड कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसकी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे इसमें माइक ख़राब हो जाए और वो आवाज़ कट कट के या रुक रुक के जाए, तो भी क्या होगा, वो क्लियर स्पीच नहीं हो पा रही है सेंडर के थ्रू। लिसनिंग स्किल ऑफ रिसीवर, रिसीवर की जो सुनने की क्षमता होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा दोनों के बीच में। कॉमन फ्लुएंट इंग्लिश, दोनों के बीच में जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है वो कॉमन होनी चाहिए, और वो फ्लुएंट मतलब अच्छी स्पीड में होनी चाहिए, उसकी स्पीड नहीं, उसकी मतलब कम्युनिकेशन की जो फ्लुएंट होनी चाहिए वो लैंग्वेज, बोलने में अच्छा होना चाहिए उस लैंग्वेज को, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए क्या हुआ, ये फ्लुएंट इंग्लिश हो गई, फ्लुएंट लैंग्वेज हो गई। पर अगर हम देखते हैं कि अगर कोई साउथ इंडिया से कोई बात कर रहा है हिंदी इधर नॉर्थ इंडिया में, और उसकी जो वो क्या बोलता है उधर इंग्लिश कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन करने में, तो ये एक कॉमन लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद कंप्रहेंसिव, इसका मतलब होता है कि इसमें मैसेज को अगर हम शॉर्ट में किसी को बोल दें, रोहन कट द ट्री, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, जबकि उधर से उसने तो सही बोला था रोहन कट द ट्री। हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि जबकि पूरी बात ये थी कि रोहन ने पेड़ काटा क्योंकि क्योंकि वो पेड़ रास्ते में गिर गया था और वो एक बस के ऊपर गिर गया था जिससे वो पेड़ काटना पड़ा। तो कई बार क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि रोहन ने पेड़ काट दिया, लेकिन पूरी बात नहीं बोली है उसने। तो ये कंप्रहेंसिव वाला पार्ट है, कंप्रहेंशन का पार्ट है, इसको पूरा इनको मैसेज को पूरा बोलना चाहिए इसमें। फिर नेक्स्ट आते हैं हम टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें हमारे चार टाइप के हमारे कम्युनिकेशन होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको लगाओगे कि नहीं स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पे दोनों सेम ही तो है। यहाँ पे देखिए, यह है इंट्रा और यह है इंटरपर्सनल। इंट्रा पर्सनल में देखिए क्या होता है, इंट्रा पर्सनल में कोई आदमी अपने आप से बात करता है और किसी से नहीं। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं 2 बजे मेरे को वहाँ जाना है, फिर उसके बाद वहाँ से मुझे वहाँ आना है, तो इसमें क्या होता है, सेल्फ कम्युनिकेशन होता है, खुद से बात होती है इसमें। जब हम खुद से बात कर रहे थे तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसको। इट इंक्लूड्स साइलेंट कन्वर्सेशन विद हैव विद और सेल्स, आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं। इट वेयर इन द वेयर इन वी जगल द रोल बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, इसमें खुद ही सेंडर होता है और खुद ही रिसीवर होता है। सेंडर जो होता है वो खुद ही रिसीवर होता है और जो रिसीवर होता है वही सेंडर होता है, यानी अपने आप से आप बात कर रहे हैं। और इंटरपर्सनल देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होगा, इसमें दो या दो से ज़्यादा आदमी हो सकते हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड इट दस वन टू मोर कन्वर्सेशन। हेयर टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व स्वैप देयर रोल एज सेंडर एंड रिसीवर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एडिक्यूटली। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें दो या दो से ज़्यादा इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें बात करने वाले हो सकते हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। जैसे हम इसका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे क्लास में हम बैठे हैं, क्लास में टीचर क्या है, वो सबको देख सकता है, ठीक है। अगर किसी क्लास टीचर ने बोला कि तुम कॉपी लाए हो, तो आपने
उसको टीचर्स को जवाब दे दिया कि नहीं सर मैं नहीं लाया हूँ या जो भी है, या आपने गर्दन हिला दी नहीं, तो उसमें क्या है कि जो इसमें सेंडर और रिसीवर होगा वो आमने सामने होगा, और उसको फेस एक्सप्रेशन का भी यूज़ हो सकता है, बॉडी कम्युनिकेशन का भी यूज़ हो सकता है इसमें इंटरपर्सनल में। और इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल में ये डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, इसमें अपने आप से बात होती है इंट्रापर्सनल में, लेकिन इसमें क्या होता है सेंडर और रिसीवर अलग अलग होते हैं। फिर इसमें देखिए थर्ड वन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे आजकल चल रहा है गूगल मीट, गूगल मीट में क्या हो रहा है ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास जब हो रही है तो इसमें क्या होता है स्मॉल ग्रुप बना होता है, तो इसमें क्या करते हैं सब लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस ओनली वैन देर आर मोर और टू पीपल इन्वॉल्व, हेयर द नंबर ऑफ पीपल विल बी स्मॉल एंड एनफ टू अलाउ ईच पार्टिसिपेंट टू इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट। एग्जाम्पल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या होता है कि आमने सामने बैठे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप होता है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो उसको क्वेश्चन को आंसर देते हैं, मीटिंग होती है इसमें। फिर लास्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। ये एग्जांपल है जैसे इलेक्शन का टाइम है, और इलेक्शन में क्या होता है स्पीच देने के लिए बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए, तो वो उसका एक एग्जांपल हो गया पब्लिक कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग का। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेस अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, ठीक है। इसमें क्या है कि वो सामने वाले के एक्सप्रेशन थोड़ी ना देख पाएगा अगर स्टेज से खड़ा है, लेकिन बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, सब लोग उसकी बात सुन रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये क्लास 9th के लिए अप्लीकेबल है, आज आपको यही करना है और आज की डेट डाल देनी है, इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर करें, और आज के लिए इतना ही करते हैं।